गाड़ी उल्टा हम पर चढ़ा रहे हैं, हम पर गाड़ी चढ़ा रहा है, उसके बाद फिर क्या करें। जैसलमेर के पोखरण में आरटीओ पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश पर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। घटना से पोखरण क्षेत्र में फैली सनसनी। तेज गति से शहर के भीतरी भाग में ट्रक को भगाकर ले जाने पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। परिवहन विभाग ने कार्रवाई पर तेज गति से ट्रक ड्राइवर ट्रक को लापरवाही से भगाता हुआ शहर के भीतरी भाग में ले जाने पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ट्रक को पकड़ लिया। परिवहन विभाग अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि लवा गांव की तरफ से आ रहा सामान से लदा हुआ ट्रक RJ19GE5421 तेज गति एवं लापरवाही से चलता हुआ संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश करने पर ट्रक की द्वारा कई दुर्घटनाओं को न्योता दिया गया और वहीं शहर के भीतरी भाग की ओर लेप चला गया। वहीं ट्रक ड्राइवर सुरजाराम ने परिवहन विभाग की टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा मेरे साथ मारपीट करने पर मजबूरन मुझे ट्रक को लेकर भागना पड़ा। मैं ड्राइवर के गले में लगी हुई गहरी चोटों के निशान भी लगे हुए हैं। पोखरण पुलिस थाना धनाराम बिश्नोई के नेतृत्व में पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू की गई। वहीं ट्रक में रखे हुए संदिग्ध सामान के चलते सड़क पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। गाड़ी उल्टा हम पर चढ़ा रहे हैं, हम पर गाड़ी चढ़ा रहा है, उसके बाद फिर क्या करेंगे बताओ, पीछे कर रहे हैं, गली में आके गाड़ी रोकी हमने। आप तो बता रहे दो एक्सीडेंट और हो जाते, कार वाले को एक मोटर दो मोटरसाइकिल वालों को मतलब कट मार के फिर भरा के लाए। ये तो गली में आगे कार खड़ी थी, रास्ता बंद था, इसलिए रोक पाए। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए पोखरण से सुरेंद्र केवलिया की रिपोर्ट।